हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फिगर काउंटिंग। अब इसमें हमारे मेन दो टॉपिक्स होंगे, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि वर्ग बना हुआ है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर, मतलब यहाँ कितने वर्ग हैं, यहाँ पर कितने वर्ग हैं। ऐसे आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, इसमें आप 14 काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप आज मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो ये होते हैं हमारे कॉलम्स, और जो ये वाले उनको बोलते हैं रोज़। जैसे कि हमारी ये वाली जो लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल्स लाइन, और ये जो लेटी हुई लाइन होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन्स। अब हम पता करेंगे इसमें रो और कॉलम्स इक्वल हैं। हमारी ट्रिक है रो और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ये हमारे इक्वल्स हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इन सबका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9। अब इन सबको मैं ऐड कर देना, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 14। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 14 स्क्वायर्स हैं। आप देख सकते हैं कितने ईजिली हमने अपना आंसर निकाल लिया, ऐसे आप तुरंत। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप खुद से भी ट्राई करना है एंड हम भी आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर, यहाँ कितने वर्ग हैं, यहाँ कितने वर्ग हैं। अब हमें पता करना है इसमें रो और कॉलम्स, यानी कि R1, R2, R3, R4, यहाँ पे column 1, column 2, column 3, और column 4, यानी कि कॉलम और रोज इक्वल हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबका स्क्वायर करना है, 1, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं हमें कितनी इजीली हमने आंसर निकाल लिया। तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, यानी कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 30 स्क्वायर्स हैं। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या है हमारी, जो हमारी ट्रिक्स है वो क्या है, रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। आप देख सकते हैं हम कितनी इजीली आंसर निकाल सकते हैं, अगर हमें पता है कि रो और कॉलम इक्वल हैं तो हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर, यहाँ कितने वर्ग हैं, यहाँ पे भी हमें वर्ग निकालना है, कितने वर्ग हैं। यहाँ पे देखिए हमें कॉलम और रो पता करना है पहले। कॉलम यानी कि C1, C2, C3 एंड रो कितनी है, रो 1 एंड रो 2। यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी, यहाँ पे जो हमारे रो हैं वो इक्वल नहीं है कॉलम्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो रोज हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है, कॉलम 3 है और रो हमारी 2 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज मैं आपको इसकी छोटी सी और इतनी इजी सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको, बहुत आसान है इसको करना। जो हमारा थर्ड कॉलम होता है यानी कि C3, और जो हाईएस्ट कॉलम होता है और जो हाईएस्ट रो होती है, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट 3 है और रो में 2 है, तो हाईएस्ट 3 × 2 प्लस हमारी 2 कॉलम्स हैं एंड 1 रो, यानी कि 2 × 1। जो बचेगा उसको हम छोड़ देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 यानी कि 2, हमारे कितना आंसर आ गया, 8। 8 स्क्वायर्स बनेंगे इसमें। अब आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि हमें पता होना चाहिए हाईएस्ट रो और हाईएस्ट कॉलम्स, हाईएस्ट रो एंड हाईएस्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने किया है, कितने इजीली हमने आंसर निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का कराएंगे। आप देख सकते हैं इसमें ट्रिक क्या लगी है, ट्रिक हमारी लगी है रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, यानी कि जो हमारी रो है वो कॉलम्स के इक्वल में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने सॉल्व किया है, और ये फर्स्ट वाली जो था उसमें रो और कॉलम इक्वल थे, तो हम उसमें स्क्वायर कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर, यहाँ कितने वर्ग हैं, यहाँ कितने वर्ग हैं। अब हमें रो और कॉलम पता करने हैं, तो कॉलम C1, C2, C3, C4 एंड C5। अब रोज कितनी हमारी, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4, यानी कि हमारी 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट कॉलम होता है और जो हाईएस्ट रो होती है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा कितना 5 × 4 प्लस, अब जो सेकेंड हाईएस्ट है हमारा रो और कॉलम वो क्या है, 4 × 3, और जो थर्ड हाईएस्ट है वो हमारा क्या है, प्लस 3 × 2। इसी तरीके से आप लास्ट वाला भी करेंगे तो यहाँ पे 2 × 1, यानी कि एक कॉलम बचा है उसको हम इग्नोर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 × 4 यानी कि 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 40। इसको जब हम ऐड करेंगे इन सबको तो हमारा आंसर आएगा 40। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 40 स्क्वायर्स हैं। अब कितनी इजीली हमने आंसर्स निकाल लिए, आप देख सकते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। आप देख सकते हैं कितने इजीली हमने आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आपको रेक्टेंगल्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर, यहाँ पे कितने आयत हैं, आपको यहाँ पे पता करना है कितने आयत हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, ओनली वन ट्रिक है इसकी, क्या है, ओनली वन ट्रिक जो कि मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप कॉलम और रो देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, यहाँ पे इक्वल है दोनों। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, चाहे इक्वल हो या ना हो रो और कॉलम, यहाँ पे आप इक्वल हैं तो इसको देख लेते हैं कैसे करने हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको प्लस करना है, यानी कि 1, 2 एंड 3, इन सबको प्लस करना है। और इधर भी हमें यही करना है, 1 + 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पे, 6, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 6, यानी कि 6 + 6 यानी कि 6 × 6 यानी कि 36। हमारे इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, इसमें हमारे रेक्टेंगल्स कितने हैं, 36, कितने हैं, 36। बस यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इंटू कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप कितना इजीली हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आप भी कोशिश करिए करने की और हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ हमें पता करना है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर, यहाँ कितने आयत हैं। तो हमें पता करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रिक में आपको बताया था, तो हम इसमें रो और कॉलम्स देखते हैं, C1, C2, C3 एंड C4, यानी कि रो 1, रो 2 एंड रो 3 एंड रो 4, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो हम इनको प्लस करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, आप जरा बताएंगे हमें, 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 × 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100। इसमें कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, इसमें कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, 100 रेक्टेंगल्स बनेंगे। आप देख सकते हैं हमने कितने इजीली हम पता कर लिया इसमें कितने आयत बनेंगे। तो कितना इजी है, बस इनको प्लस करना है, रो और कॉलम्स को प्लस करना है, रो को और कॉलम्स को आप रो इंटू कॉलम्स, यानी कि हमें रो को पहले प्लस करना है, जितने भी रोज हैं हमारे उस हिसाब से, और जितने भी कॉलम्स हैं उनको प्लस करना है और इंटू करके हमें आंसर निकालना है, बस इतना करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कैसे करना है इसको, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर, यहाँ कितने आयत हैं, यहाँ कितने आयत हैं। अब यहाँ हम कॉलम्स और रो देखेंगे, तो कॉलम हमारे 1, 2 एंड 3, यानी कि रो 1 एंड रो 2, इनको बस प्लस करना है, यानी कि 1 + 2 1 + 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पे, 6, यहाँ पे हो गया 3, यानी कि हम क्या करेंगे, 6 × 3 कितना आ जाएगा, 18। तो हमारा आंसर आ गया 18 रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, 18 रेक्टेंगल्स बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।